सीधे लेके चलते हैं आपको, दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से दिल्ली विधानसभा में हंगामा खड़ा हो गया, किस तरीके से दिल्ली विधानसभा के अंदर जो वैट संशोधन बिल है उसकी कॉपी को फाड़ दिया गया विजेंद्र गुप्ता की तरफ से। लेकिन संशोधन पास होने हो चुका है, आंकड़े जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार के पास है, लेकिन जो हंगामा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद ये एक बीजेपी के लिए, हालांकि जगदीश मुखी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि इसमें कोई शर्मसार करने वाली बात नहीं है, आक्रोश में व्यक्ति ऐसा कर सकता है और ये आक्रोश वाली बात है, लेकिन किस तरीके से बीजेपी के एमएलएज ने यहां पर यह हंगामा किया और विजेंद्र गुप्ता ने बकायदा बिल फाड़ कर उछाल दिया, ये देखें तस्वीरें आप, किस तरीके से दिल्ली विधानसभा में हंगामा होता है और विजेंद्र गुप्ता ने बिल फाड़ कर उछाल दिया। अब उप मुख्यमंत्री विधेयक के संबंध में संक्षिप्त यह प्रस्ताव सदन के सामने जो इसके पक्ष में वहां कहे, जो इसके विरोध में सदस्यों के हाथ कहने पर हां पर जीता प्रस्ताव पास हुआ। अब उप मुख्यमंत्री विधेयक के संबंध में संक्षिप्त यह प्रस्ताव सदन के सामने जो इसके पक्ष में वहां कहे, जो इसके विरोध में सदस्यों के हाथ कहने पर हां पर जीता प्रस्ताव पास हुआ। अब उप मुख्यमंत्री विधेयक के संबंध में संक्षिप्त यह प्रस्ताव सदन के सामने जो इसके पक्ष में वहां कहे, जो इसके विरोध में। दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा होता है, वैट संशोधन बिल पास हो जाता है, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर है आपके सामने, कुमार खुणाल इस वक्त हमारे साथ हैं, अभी क्या चल रहा है खासकर ये देखते हुए कि दिल्ली में ये कब से लागू हो जाएगा और जो हुआ सदन के अंदर जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता जी ने फाड़ के फेंक दिया, इस पर क्या कहेंगे कुमार? लेकिन मैं आपसे पहले दिखाते हैं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। विधेयक को विधेयक पे चर्चा के प्रस्ताव से पहले ही वो लोग बिल फाड़ के भाग गए, चर्चा हुई है उसके बाद मैंने वक्तव्य दिया है, सोमनाथ जी बोले हैं और भी अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि और भी कोई सदस्य रखना चाहे, तो चर्चा का जब प्रस्ताव आया तो उन्होंने चर्चा के प्रस्ताव का विरोध किया, चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। मनीष जी, आप कह रहे हैं कि गलतफहमी बनी हुई है, ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से विजेंद्र गुप्ता ने यहाँ पर बिल फाड़ दिया, सीधे चलते हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अभी इस वक्त कुमार कुणाल हमारे सहयोगी। सबसे पहले बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा के अंदर तमाम मर्यादाएं होती हैं और खासतौर पर विपक्ष से भी ये उम्मीद जरूर की जाती है कि एक कम से कम मर्यादित तरीके से विधानसभा के अंदर वो अपनी बात रखें और बर्ताव करें, वो कम से कम नदारद दिखा है इस पूरे मामले पर, क्योंकि वेल में आए विजेंद्र गुप्ता और उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी। एक तरीका ये होता है कि आप बहस करें, अगर आप सहमत नहीं हैं सरकार के प्रस्ताव से तो वो बहस करने की तरफ गुंजाइश कम दिखी, बल्कि ये तय करके लगता था कि बीजेपी भी आई थी, बीजेपी के तमाम विधायक आए थे कि उन्हें हंगामा करना है, बिल फाड़ना है और ये एक तय ऑर्केस्ट्रेट आप कह सकते हैं एक कार्यक्रम सुनियोजित तरीके से उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ी और हंगामा किया, जिससे बिल तो पास हो गया क्योंकि यहाँ पर सदन में आम आदमी पार्टी के 67 सदस्य हैं, लेकिन जो चर्चा होनी चाहिए थी और जो बात रखनी चाहिए थी अपने विरोध के तरीके को बातचीत के जरिए रखना चाहिए था, वो शायद वो मौका बीजेपी ने भी खो दिया है। तो तरीका निश्चित तौर पर इस पर, कुमार कुणाल, मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगा और आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि कब से दिल्ली में दाम बढ़ने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने चुपके से आम आदमी की जेब काटने का प्लान बना लिया है और पेट्रोल पंपों पर महंगे दिनों का ट्रेलर देखने को मिलेगा। दिल्ली सरकार ने 14 चीजों पर वैट बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ विधानसभा में बिल पास कर दिया, इसके तहत पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाकर 30% किया जा सकता है, यानी दुगने से भी ज्यादा। ये बजट गरीब लोगों का बजट है, ये बजट मिडिल क्लास का बजट है। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लोगों के तारणहार, दिल्ली वालों को सपने दिखाने वाले।
महंगाई से राहत देंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, महिलाओं को सुरक्षा कवच मिलेगा, पानी शुद्ध, बिजली सस्ती और पूरी मिलेगी, दिल्ली वालों के हर कष्ट का निवारण होगा। जो पार्टी महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर ताना कसती रही, आज वही पार्टी दिल्ली के लोगों पर महंगाई बम फोड़ने की तैयारी में है। खबर सुनकर जानकर दिल्ली की 125 करोड़ जनसंख्या की कमर टूट जाएगी। दिल्ली वाले खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि दिल्ली के लोकप्रिय नेता और उनकी टीम उनके लिए कुछ और पका रही है। जी हाँ, दिल्ली में जल्द ही पेट्रोल डीजल समेत 14 चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं। दिल्ली सरकार ने विधानसभा में जो वैट संशोधन विधेयक पेश किया है उसमें वैट में 20-30% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इस लिस्ट में पेट्रोल और डीजल भी शामिल है। केजरीवाल सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें पेट्रोल पर वैट 20% से बढ़ाकर 30% किया जा सकता है, डीजल पर वैट 12.5% से 30% तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि LPG और PNG, CNG और केरोसिन को इस प्रस्ताव से बाहर रखा गया है, लेकिन दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो माल भाड़ा बढ़ जाएगा, पेट्रोल पर वैट बढ़ेगा तो घर का बजट बिगड़ेगा, डीजल महंगा हुआ तो रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के पास अपनी दलील है। स्वराज बजट पर वाहवाही लूटने के 2 दिन बाद केजरीवाल सरकार ने पिछला दरवाजा खोला तो विपक्ष को उस पर हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अब एक सुर में वैट को लेकर केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं। केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव का न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस विरोध कर रही हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के भीतर भी इसे लेकर आवाज उठने लगी है। दिल्ली के तिमारपुर से आप विधायक पंकज पुष्कर अपनी ही सरकार के बजट की आलोचना कर रहे हैं। मुझको लगता है कि बहुत ज्यादा मीठा मीठा सरकार के लिए भी डायबिटीज होने का खतरा है, और हमको बहुत पारखी नज़र से, हम जनता के पैसे पर पलने वाले, ये सदन जनता की गाड़ी कमाई से चलता है, हम जनता के आदेश का ध्यान रखें और सच्चाई को बहुत पारखी तरीके से रखें। आम आदमी पार्टी खुद को आम आदमी का हितैषी बताती है, लेकिन बजट पेश करने के 3 दिन के अंदर ही उसने जो चाल चली है उससे दिल्ली की जनता को तगड़ा झटका लगा है। अब केजरीवाल सरकार अपनी ओर से कोई भी सफाई दे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि केजरीवाल सरकार को आम आदमी की जगह दिल्ली की तिजोरी भरने की चिंता ज्यादा है। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। काश पानी से गाड़ियां चलती, क्योंकि वो सरकार ने फ्री में दिया है कुछ घरों में। खैर, विजेंद्र गुप्ता से बातचीत की। भाई, आपने बिल क्यों फाड़ा, आइए सुनते हैं। वैट अमेंडमेंट बिल को फाड़ा गया, हमारे साथ बात करने के लिए हैं नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र जी, वैट अमेंडमेंट बिल जो एक सिर्फ प्रोविजन था, उसको आप बिल को आपने क्यों फाड़ा? देखिए, बिना चर्चा के बिल पास हो रहा था, वोटिंग शुरू कर दी, बिल पेश किया और बिल पास कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है हमको बोलने का मौका दो, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, बैल में आना पड़ा, उसके बाद नहीं मौका दिया जा रहा। अलोकतांत्रिक तरीके से बिल पास करना और जन विरोधी बिल पास करना, अलोकतांत्रिक तरीके से जन विरोधी बिल पास करने को अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया कहना है कि हम लोग चर्चा कराना चाहते थे, ये चर्चा ही नहीं करना चाहते। आप तो वो आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, आप खोलिए। उन्होंने, स्पीकर ने हमारे कहने के बाद वहाँ पर वोटिंग प्रारंभ कर दी और बिल पेश हुआ बिना चर्चा के। क्या स्पीकर ने कहा कि इस पर कोई बोलना चाहता तो हमें बताए, हमें ये कदम क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि सदन में बिना चर्चा के बिल पास हो रहे हैं। क्या आप वैट अमेंडमेंट बिल जो प्रोविजन लाया गया है, क्या उस पर बीजेपी को आपत्ति है? बिल्कुल हमारी आपत्ति है, वो जन विरोधी है, महंगाई देने वाला, हर चीज की कीमत बढ़ाएगा वो। ये हमारा कर्तव्य है, जनता की भावनाओं के अनुरूप सदन के अंदर सरकार के सामने विषय रखने, बात रखनी, जानकारियां देनी और विरोध करना जरूर पड़ेगा। चलिए, तो साफ तौर पे विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि अगर उन्होंने बिल फाड़ा तो उसमें कुछ भी गलत नहीं किया है। रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में टैक्स की बड़ी दरें लागू होते ही फिल्म देखने के लिए दिल्ली वालों को ज्यादा रुपए देने होंगे। इस बीच आज तक संवाददाता पंकज जैन ने कैनॉट प्लेस में लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। घर पर अगर आप केबल टीवी देखते हैं तो वो भी महंगा हो जाएगा, बाहर निकलकर अगर आप फिल्में देखना चाहते हैं तो दिल्ली में वो भी महंगा हो जाएगा। 1 जुलाई से दिल्ली सरकार ने जिस तरह का बजट पेश किया है, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में, और यहाँ पर
पूरा हब है, अलग अलग रेस्टोरेंट यहाँ पर हैं, लोग फिल्में देखने आते हैं, घूमने आते हैं, जो लोग खाने पीने का शौक रखते हैं वो घर से बाहर निकलते हैं और कनॉट प्लेस का रुख करते हैं। लेकिन लोगों का क्या कहना है, दिल्ली की आम जनता जिनका इस बजट को लेकर क्या ख्याल है, जो कल महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर आपसे पहले पूछना चाहेंगे। जिस तरह से महंगाई की बात करती है आम आदमी पार्टी की सरकार, कल से एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो बढ़ जाएगा, फिल्म देखने के लिए यहाँ आए, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इला कुमार ये कहना चाहूँगी कि सरकार जब टैक्स बढ़ाती है तो हमें इनकम का भी रास्ता उनको बढ़ाने का तरीका बताना चाहिए, ताकि हम पहले कुछ पैसे कमा लें फिर हम टैक्स देने के लायक बने।